जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुकम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको हेलीकॉप्टर की नॉइस आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, हेलीकॉप्टर सुविधा चल रहा है। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने देखा कि यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोज़ है जिसमें बताया जा रहा है कि यात्रा बंद है, तो मुझे लगा कि आप सब तक सही जानकारी शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो वीडियो अपलोड किया। फिलहाल यात्रा तो चल ही रहा है और यात्रा बंद भी नहीं था, क्योंकि मैं कल से कटरा में हूँ। आपको याद होगा कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और आपको बताया था कि क्या माहौल है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर सुविधा कल भी चल रहा था। मैंने आपको वीडियो क्लिप भी दिखाया था, आई होप आप उस वीडियो को देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब यूट्यूब पे होता क्या है ना कि अगर आप सही जानकारी दे रहे हैं तो आप गलत हैं, और कोई गलत दे रहा है तो वो सही है, भले वो किसी न्यूज़ पोर्टल से दे। न्यूज़ पोर्टल की बात लोग करते हैं, न्यूज़ पोर्टल में कैसे जानकारी दी जाती है वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ ना कि न्यूज़ को किस तरीके से बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूँ, फिर से बता दूँ कि यात्रा ना बंद थी और ना ही यात्रा बंद है। लोग न्यूज़ चीज़ को दिखाकर बताते हैं कि इस तरह से ऐसा है, इस तरह से वैसा है। इवन यूट्यूब पे वीडियोस भी आई थी, आपको याद ही होगा, जाकर देख लीजिएगा। कटरा से आपको मिलेगा भवन तक का रोपवे, वो रोपवे कहाँ है किसी को नहीं पता। तो ट्रेन राइडर पर जो जानकारी आपको मिलेगी ना, वो ऑथेंटिक होगी, बिना कोई प्रूफ के हम जानकारी नहीं देंगे। हम अभी ट्रैक पर हैं, आप देख रहे हैं, ये ट्रैक जो है वो हमें लेकर जाएगा अर्धकुंवारी के पास, हाथी मत्था वाला मार्ग। अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मतलब किसी और के बहकावे में ना जाएं, तत्वों पर ध्यान दें। तत्व है क्या? पहले आप वीडियो डालते हैं कि यात्रा बंद है, उसके कुछ टाइम बाद जब मेरी वीडियो अपलोड होती है तो कुछ लोग वीडियो डाल देते हैं कि यात्रा शुरू है और तत्वों पर ध्यान दे, ये करे वो करे। देखिए, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये दिक्कत है कि आप कोई भी जानकारी गलत ना दें। ठीक है, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो सही दें, क्योंकि इतना बड़ा आपका चैनल है, कितने लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके चैनल को देखते हैं, और उतने लाख लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आने वाले श्रद्धालुओं में वो वीडियो वायरल होती है तो लोगों को यही पता चलेगा ना कि यात्रा तो बंद है, तो हम दरबार कैसे जाएंगे। इवन मुझे लोगों ने DM किया, मुझे भी तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं तो दरबार में था। लोगों ने मुझे बड़े मैसेज किया कि सर यात्रा बंद हो गई, यात्रा बंद हो गई। तो फिर मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया? तो लोगों ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे जगह पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं। मुझे भी बड़ा झटका लगा कि यार यात्रा तो बंद नहीं है, मैं खुद ही दर्शन कर रहा हूँ। और ये भी दावा किया जा रहा था कि कल रात से ही यात्रा को रोक दिया गया है। इसके लिए आपको प्रूफ दे देता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, मैंने वहाँ पर लाइव किया है, वो भी अर्ली मॉर्निंग का। आप सोचिए, अगर यात्रा बंद होता तो मैं यात्रा ट्रैक पर कैसे लाइव कर पाता, मैं अभी यात्रा पर होता ही नहीं। तो यात्रा वात्रा कुछ बंद नहीं था। ठीक है, हाँ ये आप कर सकते हैं कि अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेकर आइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो हो सकता है कि यात्रा पर्ची आपको ना मिले यहाँ कटरा में, या कुछ देर के लिए यात्रा पर्ची को वो रोक दें, ये कर सकते हैं, लेकिन यात्रा चलता रहता है अगर आपके पास यात्रा पर्ची ऑनलाइन है तो। ठीक है, तो इसीलिए फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगी। और इस वीडियो को बनाने का ऐसा कोई मकसद आप मत समझिएगा कि मैं ऐसे वैसे कुछ कह रहा हूँ या बता रहा हूँ, जो सही है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मुझे भी ऐसा लगता कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं तभी भरोसा करता जब मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी होती, कहीं से कोई ट्वीट होता, कहीं से कोई बड़ी अपडेट होती, इन्फॉर्मेशन होती, तभी मैं आपको बताता। तो न्यूज़ दिखाकर वो चीज़ें करना वो अलग बात है। अब जो भी हो, देखिए मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बस यही आपसे कहूँगा। और जो भी ऐसा कर रहा है, जो भी यूट्यूब चैनल है, उन्हें मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है कि कृपया इस बात को ध्यान दें कि आपका चैनल बहुत बड़ा है, मुझसे तो बहुत बड़ा चैनल है। मैं क्या हूँ, मैं छोटा सा चैनल हूँ, मैंने तो ट्रेन राइडर शुरुआत की थी, आज माता रानी ने ना जाने कहाँ तक पहुँचा दिया, आप सबका इतना प्यार मिला कि चैनल इस मुकाम पर पहुँचा, और आपके लिए डिजिटल यात्रा बना रहा था आकर। मुझे क्या पता कि लोग ऐसी वीडियो डालेंगे, और अगर मैं सही चीज़ बताऊँगा तो फिर वो मुझे गलत करने के लिए कोई भी न्यूज़ वगैरह दिखा देंगे। अगर मुझे न्यूज़ से वीडियो बनानी होती तो आज मेरे चैनल पर न जाने कितने वीडियोज़ होते, जो भी न्यूज़ आता तुरंत मैं आपको अपडेट कर देता, कोई भी ऐसा अपडेट होता मैं तुरंत आपको बता देता, लेकिन मैं जानकारी वही देना चाहता हूँ जो सही है, जेन्युइन है और विद प्रूफ के साथ है। वैसे आपके ऊपर है कि आप क्या समझना चाहते हैं भाई। अब यहाँ से आपको लेटेस्ट जानकारी मिल रही तो वो फिर अलग बात है। और आज भी हेलीकॉप्टर सुविधा चल रहा है, आपने सुना भी होगा, अब थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी देख लीजिए कि हेलीकॉप्टर चल रहा है, और लोगों ने क्या बताया, हेलीकॉप्टर बंद है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, सिर्फ हेमकोटी मार्ग, वो भी आज की अपडेट बता रहा हूँ कि बंद है और बैटरी कार बंद है। आने वाले समय में ये हो सकता है चालू भी हो जाए, तो जैसा जो भी अपडेट होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, देखिए किसी भी चैनल को विजिट करिए, मैं नहीं मना करता कि आप इस चैनल को मत विजिट करिए, करिए, लेकिन जानकारी लोग सही दे तब ना। लोगों को क्या है, मतलब कुछ भी
न्यूज़ आया वो उठाया डाल दिया। मैं एक जर्नलिस्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है ना कि न्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करनी होती है। खैर चलिए, बहुत बातें हो गई और अभी हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और आपके लिए आ रही है प्यारी सी डिजिटल यात्रा, तो तैयार रहिएगा और उसे पूरा ज़रूर देखिएगा। ये छोटी सी वीडियोस थी जिससे आपको थोड़ा सा जागरूक करना था, और वैसे आप खुद समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, आई होप मेरी बातों को आप समझेंगे। जय माता दी।